उदाहरण तीन, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटा एक ऋण टेन ए धन साइन ए बटा एक ऋण कॉट ए बराबर साइन ए धन कॉस ए। ये हमें सिद्ध करना है। हल बायां पक्ष, बायां पक्ष पहले हम लेते हैं। बायां पक्ष में हमारे पास है कॉस ए बटा एक ऋण टेन ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए धन साइन ए बटा एक ऋण। कॉट ए के स्थान पे हम लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कॉस टेन ए का मान साइन ए बटा कॉस ए होता है, और कॉट ए का मान जो होता है टेन का व्युत्क्रम होता है कॉस ए बटा साइन ए बराबर, ये कॉस ए के स्थान पे हमने कॉस ए लिखा, नीचे में हर में जो है हम एक ऋण कॉस ए एक ऋण साइन ए बटा कॉस ए है, तो हम यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे, एक को एक बटा एक लेंगे तो लघुत्तम हमारा कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जब करेंगे तो कॉस ए ऋण साइन ए और ये जो बटा कॉस ए आएगा लघुत्तम, इसको हम भाग को गुणा में करेंगे तो ये गुणा कॉस ए हो जाएगा धन। उसी तरह से हमें साइन ए अंश में और हर में फिर लघुत्तम निकालेंगे हम, एक बटा एक एक और साइन ए का लघुत्तम साइन ए आएगा, और जब हम इसको साइन ए को एक से भाग देंगे तो साइन ए आएगा, और फिर इसे गुणा करेंगे तो साइन ए ऋण कॉस ए प्राप्त होगा, और बटा साइन ए जो है जो भाग वाली चीज़ है उसको हम क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा और ये साइन ए ऊपर चले जाएगा अंश में, तो गुणा साइन ए। इस तरह से बराबर हमें प्राप्त होगा कॉस की घात दो ए बटा कॉस ए ऋण साइन ए। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस ए ऋण साइन ए हर में है और यहाँ साइन ए ऋण कॉस ए है, तो हम कहीं इसको कॉस ए ऋण साइन ए लिखना है, इसको हमको साइन ए ऋण कॉस ए को, तो हम यहाँ पे ऋण चिन्ह का उभयनिष्ठ निकालेंगे, चिन्ह का उभयनिष्ठ ऋण ऋण का उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो ये धन चिन्ह जो है वो ऋण में परिवर्तित हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए ऋण साइन ए हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमने ऋण एक जो है उभयनिष्ठ निकाला है, तो कॉस ऋण कॉस ए जो है धन कॉस ए हो जाएगा और ऋण साइन ए, और ऊपर में अंश में जो है हमारे पास साइन की घात दो ए है। इसका हम जब लघुत्तम निकालेंगे तो ये लघुत्तम हमें प्राप्त होता होगा कॉस ए ऋण साइन ए, और क्योंकि दोनों पदों का हर एक ही है तो हमें प्राप्त होगा कॉस की घात दो ए ऋण साइन की घात दो ए, या इसे हम लिख सकते हैं एक कॉस की घात दो ए ऋण साइन की घात दो ए को हम लिख सकते को हम एक ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग लेंगे, तो इसमें सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे कि एक ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए ऋण साइन ए और कॉस ए
धन साइन ए बटा कॉस ए ऋण साइन ए। तो कॉस ए ऋण साइन ए और हमारे पास जो हर में कॉस ए ऋण साइन ए ये दोनों कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा साइन ए, दूसरा वाला जो कोष्टक के अंदर में साइन ए, पहले हम साइन ए लिख लेंगे धन कॉस ए, क्योंकि हमें सिद्ध करना है साइन ए धन कॉस ए हमारा बायां पक्ष है। तो हमें प्राप्त हुआ साइन ए धन कॉस ए, ये हमारा बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, यहाँ पे हमारे पास साइन ए धन कॉस ए है दायां पक्ष। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ साइन ए धन कॉस ए दायां पक्ष, तो ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हुआ।